राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। मेरे कन्हैया व्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो आज हम ये वीडियो में देखेंगे दोस्तों, जिनको पता नहीं है अभिषेक कैसे करते हैं स्पेशल दिन पर, लड्डू गोपाल जी का, राधा रानी का, और जो भी हमारे घर में है, हम जिनकी भी सेवा करते हैं उनकी उनका अभिषेक कैसे करेंगे, हम आज ये वीडियो में देखेंगे। तो मेरे पास तो लड्डू गोपाल ही है, राधा रानी नहीं है। हम राधा अष्टमी पर इस तरह से ही हम अभिषेक कर सकते हैं, जन्माष्टमी पर इस तरह से अभिषेक कर सकते हैं, और एकादशी पर हम इस तरह से अभिषेक कर सकते हैं। हमारे घर के लड्डू गोपाल जी का, कृष्ण जी का हम इस तरह से अभिषेक कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इस तरह से वस्त्र पहनाएंगे उन्हें अच्छे से। ये वस्त्र मैंने घर में ही बनाए हैं दोस्तों। इस तरह से सफ़ेद कपड़े से हम अच्छे से वस्त्र बनाकर उन्हें पहनाएंगे। हम रोज़ घर में नहलाते हैं, उनका स्नान कराते हैं, ऐसे ही कभी कभी बीच में हम उनका अभिषेक करते हैं, तो तभी तो हम कुछ भी नहीं करते हैं। पर जब हम उनका स्पेशल दिन होता है तो तब इस तरह से उन्हें कपड़े पहनाकर, अच्छे से उनका वस्त्र पहनाकर उन्हें अगर अभिषेक करते हैं तो अच्छे दिखते हैं, अच्छा लगता है हमें भी। तो देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल। तो ये वस्त्र मैंने घर में ही बनाए हैं उनके लिए अच्छे से। तो हम इस तरह से उनका अभिषेक करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है अभिषेक करने का, ज़्यादा तो कुछ लगता ही नहीं है। सभी को पता है पंचामृत, तो सभी को पता है किस तरह से बनाते हैं, क्या क्या लगेगा उसमें। हमें लगेगा दही, दूध, शक्कर, शहद और घी। तो हम सबसे पहले पानी से अभिषेक कर लेंगे और सब इसमें एक एक तुलसी का पत्ता डाल देंगे। जो भी चीज़ें हमने लिए हैं अभिषेक के लिए, तो उन सभी चीज़ों में हम एक एक तुलसी का पत्ता डाल देंगे। या तो नहीं अगर है तो, अगर ज़्यादा तुलसी नहीं है हमारे पास, तो हम इस तरह से जहाँ पर हम उन्हें बिठाकर अभिषेक कराने वाले हैं तो वहाँ पर भी हम एक तुलसी का पत्ता रखकर उनका अभिषेक करा सकते हैं। अगर नहीं है हमारे पास बिल्कुल ही तुलसी का पत्ता ही नहीं है, तो हम उन्हें तुलसी की माला पहनाकर या उनके पास तुलसी की माला रखकर भी हम इस तरह से अभिषेक करा सकते हैं। ये गाय का दूध है दोस्तों, पानी के बाद हम गाय के दूध का अभिषेक कर रहे हैं। ये गाय का दूध है, गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ होता है, तो हम गाय के दूध का अगर अभिषेक करते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है दोस्तों। तो ये गाय का दूध है, उसी तरह से हम गाय के दूध का दही भी बना लेंगे। तो गाय के दूध का दही है ये, मैंने तो गाय के दूध के दही ले ली है, गाय के दूध लिया है और वही दूध का दही भी बना लिया, तो वही दही से मैं अभी अभिषेक कर रही हूँ। तो इस तरह से हम दही से अभिषेक करेंगे। फिर हम मीठे पानी से, हम ऐसे डायरेक्ट मतलब शक्कर से भी कर सकते हैं और हम मीठे पानी से भी हम कर सकते हैं। ये मीठा पानी है दोस्तों। इस तरह से हम अभिषेक करेंगे। तो स्पेशल दिनों पर हम इस तरह से अभिषेक करेंगे तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तो अभी बहुत जल्दी राधा अष्टमी आने वाली है, तो हम सभी मतलब इस तरह से अभिषेक करेंगे। इसीलिए मैं अभी ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए दोस्तों, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें लेना है हमें अभिषेक में और किस तरह से हमें अभिषेक करना है, एक के बाद एक कैसे करना है अभिषेक। ये शहद है, शहद के बाद हम गाय के दूध का ही मतलब गाय के घी का मतलब यूज़ करेंगे। गाय का घी है ये, तो गाय के घी का हम अभिषेक करेंगे। तो सभी चीज़ें हम गाय का मतलब लेंगे तो वो सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए मैंने ये अभिषेक में सारी चीज़ें गाय के मतलब लिए हैं। तो आप इस तरह से, ये घी का अभिषेक है, एक एक चीज़ का हम अभिषेक करेंगे। अभी मैं फ्रूट के जूसों का अभिषेक कराने वाली हूँ, इसलिए मैंने मखाने की माला बना ली है। ये मखाने की माला है, आप कोई भी ड्राई फ्रूट का माला बना सकते हैं, जैसे कि खजू मतलब
काजू हो या किशमिश का, मतलब बादाम का, इस तरह से आप कोई भी माला बनाकर इस तरह से पहनाकर फ्रूट के जूसों का अभिषेक कर सकते हैं। ये मैंने अनार के जूस का अभिषेक कराया है। फिर इसके बाद चीकू के जूस का अभिषेक है। जो भी जूस वाले फ्रूट्स है उस वो जूस निकाल कर आप अभिषेक करा सकते हैं दोस्तों। तो फिर अभी मैंने ये गन्ने का रस लिया है। गन्ने के रस कोई भी 5 प्रकार के हम जूस लेकर हम अभिषेक करा सकते हैं। और ये चरणामृत हम इधर उधर नहीं डाल सकते हैं दोस्तों। ये सारी चरणामृत हमें प्रसाद के रूप में बांट देना है। अगर नहीं ख़त्म होता है तो हम अपने मतलब गमले में या तो मतलब जो भी ऐसे गमले में वगैरह डाल दीजिए, झाड़ के नीचे गमले में इस तरह से आप डाल दीजिए जहाँ पे कि कोई पैर ना देता हो। मतलब ऐसे वॉश बेसिन में या ऐसे मत डालिए, अपने सिंक में मत डालिए, तो ऐसे मत डालिए क्योंकि वो चरणामृत है, वो भगवान जी के अभिषेक का चरणामृत है। तो हम ये चरणामृत को हम सभी मतलब प्रसाद के रूप में ले लेना चाहिए। और कोई भी हमारे घर में अगर आए मेहमान मतलब अभिषेक देखने के लिए पूजा में, तो उन सभी को भी आप बांट सकते हैं, लेकिन इधर उधर मत डालिए। और ये सारे फ्रूट्स का और दूध दही ये सारी चीज़ों का होता है तो हम आराम से ले भी सकते हैं। तो आप इस तरह से अगर आप इसमें चंदन का वगैरह आप अभिषेक कर रहे हैं तो पहले आप चरणामृत ये निकाल लीजिए, पंचामृत का वगैरह ये मतलब फ्रूट के जूस का आप निकाल लीजिए। फिर उसके बाद में चंदन का वगैरह आप कर रहे हैं तो हल्दी के पानी का, चंदन का वगैरह आप अभिषेक कर रहे हैं तो वो आप अलग से अभिषेक कीजिए। फिर ये निकालने के बाद अब उसमें अभिषेक कीजिए। इस तरह से नारियल के पानी का भी अभिषेक कर सकते हैं हम, कोई भी फ्रूट के जूस का हम अभिषेक कर सकते हैं। स्पेशल दिन में हम इस तरह का अभिषेक करते हैं। तो मेरे पास राधा रानी नहीं है, अभी राधा अष्टमी आ रहे, तो मैं इसी तरह से अपने लड्डू गोपाल जी को ही मतलब राधा समझकर मैं वही भाव से उनका अभिषेक करने वाली हूँ। आप लोग भी अच्छे से अपने घर में राधा अष्टमी पर अभिषेक कीजिए, जन्माष्टमी पर इस तरह का अभिषेक कीजिए और एकादशी पर कीजिए। कोई भी त्यौहारों पर आप इस तरह से अपने घर में लड्डू गोपाल जी का अभिषेक कर सकते हैं, कृष्ण जी का अभिषेक कर सकते हैं। जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों के लिए ये वीडियो है दोस्तों। जिनको पता है वो लोग तो आराम से कर लेते हैं, जिनको नहीं पता होता है वो लोग सोचते रह जाते हैं कि कौन से चीज़ों का अभिषेक किया जाता है। तो आप ये वीडियो देखकर कर सकते हैं आराम से। जन्माष्टमी के वीडियो में भी बताया है, अगर आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों प्लीज़ जन्माष्टमी का वीडियो भी देख लीजिए एक बार। अगर आपको इस तरह की तुलसी की माला बनानी है तो तुलसी की माला किस तरह से बनाते हैं ये भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है, आप वहां जाकर ये भी वीडियो देख सकते हैं। तुलसी की माला बनाकर अपने लड्डू गोपाल जी को, अपने कृष्ण जी को भी आप पहना सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आपको और भी वीडियोस अगर चाहिए हो तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे चैनल को, और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। और मेरे कन्हैया व्लॉग्स चैनल को सपोर्ट दीजिए और लाइक और कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये वीडियो कैसे लगे। मिलते हैं मेरे अगले